दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सिंपल लेकिन बिल्कुल यूनिक एक रेसिपी दिखाने वाली हूँ। वो है ये जो लाल कद्दू होते हैं उसका जो पौधा होता है, ये देखिए पौधे और पत्ते ये सब कुछ मिला के हम एक करी बनाएंगे। बहुत ही यूनिक है लेकिन खाने में बहुत ही डिलीशियस है। पौधे के चार टुकड़े लिए हैं मैंने स्टेम पार्ट और पत्ते के साथ, और देखिए मैंने काट लिया, काट के अच्छे से धो लिया। स्टेम पार्ट जो है इसके ऊपर एक फाइबर होता है, रेशा होता है, उसको निकाल देना चाहिए। मैंने सब कुछ निकाल दिया है, ये देखिए इस तरह का फाइबर होता है, इस तरह का, ये सारा निकाल के फेंक देना चाहिए। और पत्तों को भी छोटे छोटे करके काट लिया है, आप देख सकते हैं। और काटने के बाद मैंने अच्छे से धोया है, धोकर पानी चढ़ाने के लिए इस गमले में रख दिया है। इसको अभी साइड में रख देते हैं और चलिए कढ़ाई के पास चलते हैं। सबसे पहले तेल डाल देंगे, हीट ऑलरेडी चालू है तो तेल ज़्यादा कम कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। और तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैंने डाला है 1/4 टीस्पून जीरे, 1/4 टीस्पून सरसों, 1/4 टीस्पून मेथी दाने। सब कुछ अच्छे से चटक जाने के बाद हम यहाँ पर टमाटर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं बारीक काट के, वो मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। टमाटर को थोड़ी देर के लिए चला लेंगे, बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा चला लेंगे। और टमाटर के साथ साथ हम यहाँ पर डालेंगे लहसुन। यहाँ पर मैंने 7-8 कलियाँ लहसुन ली है बारीक काट के। लहसुन डालने के बाद लहसुन का कच्चा फ्लेवर ख़त्म हो जाना तक हम भून लेंगे। हीट को मीडियम टू लो पर रखेंगे ताकि मसाले जले ना। अगर ज़्यादा ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दे, मैं भी थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले जले ना। और पानी ऐड करने के बाद हमें पाउडर मसाले भी डालने हैं, तो सबसे पहले हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक, हिसाब से थोड़ा सा कम ही रखेंगे ताकि बाद में अगर लगता है तो हम ऐड कर सके। शुरू में ही अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो बाद में कोई रास्ता नहीं रहता। तो मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा मिला लेती हूँ। और इसके साथ जो मैं डालने वाली हूँ वो है सांभर मसाला। ये सांभर मसाला मैंने घर पर ही बनाया है, आप चाहे तो बाजार का भी डाल सकते हैं, और अगर घर पर बनाना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन में लिंक है, आप चाहे तो रेसिपी देख सकते हैं। मसाले जले ना इसीलिए बार बार मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दे रही हूँ। थोड़ी देर के लिए चला लेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे साग जो हमने काट कर धोकर रखे थे। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं और उसके बाद हमें ढक कर पकाना है, हीट को बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है ताकि साग बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और क्वांटिटी कम हो जाए। थोड़ा सा मैंने चला दिया है, ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, 4-5 मिनट के लिए ढक कर रखा था मैंने। और अभी देखिए क्वांटिटी काफ़ी कम लग रही है, अभी फिर से एक बार थोड़ा मिला लेते हैं अच्छे से और थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं ताकि क्वांटिटी और भी कम हो जाए, और उसके बाद हम पानी डालेंगे। देखिए दोस्तों क्वांटिटी और भी कम हो गई है, अच्छे से मिला लेंगे। हीट को बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है नहीं तो जल सकता है। अभी हम ग्रेवी के लिए पानी डाल रहे हैं, अपने हिसाब से डाल दीजिए। अगर ग्रेवी थोड़ी पतली चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालें, और अगर थोड़ी गाढ़ी चाहते हैं थोड़ा कम पानी डालें। अभी ढक देंगे जब तक कि अच्छा सा एक उबाल नहीं आ जाता। अभी हीट को मैंने मीडियम टू हाई पर रखा है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है, अभी आप चाहे तो ढक ढक कर कुक कर सकते हैं, नहीं तो आप खोला भी पका सकते हैं। ढकने से क्या होता है जल्दी उबाल आ जाता है, इसीलिए मैंने ढक दिया था। तो अभी फिर से थोड़ी देर के लिए मिला देते हैं और फिर से मैं ढक ढक कर ही पकाऊंगी, क्योंकि मुझे ग्रेवी ज़्यादा कम नहीं करनी है, मुझे थोड़ी पतली ही रखनी है। आपको अगर थोड़ी गाढ़ी करनी है तो आप थोड़ा खोला खोला ही पका लीजिए, ढकने की ज़रूरत नहीं है। मैं ढक देती हूँ जब तक कि ये डंठल जो स्टेम वाला पार्ट वो अच्छे से गल नहीं जाता। देखिए दोस्तों लगभग 10 से 12 मिनट हो चुका है और अभी स्टेम पार्ट अच्छे से गल गया है, चेक कर लेंगे। ये वाला जो कड़क वाला पार्ट है स्टेम का, ये अच्छे से गल जाना चाहिए, देखिए अच्छे से गल चुका है और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी हमारी ये जो तरी है ये बहुत ही पतली है, तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मैं डाल रही हूँ भुने हुए मूंगफली का पाउडर।
देखिए आप चाहे तो भुने हुए बेसन भी डाल सकते हैं, नहीं तो कुछ और अगर तरीका हो जैसे कि इसके अंदर थोड़ा आलू डाल दीजिए और आलू को फोड़ दीजिए, ऐसे भी गाढ़ा किया जाता है। तो जो भी हो, मैं भुने हुए मूंगफली का पाउडर डाल रही हूँ, इससे स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आता है। 5-6 चम्मच जितना पसंद हो उतना डाल दीजिए, अच्छे से मिला लेंगे। और मूंगफली का पाउडर डालने के बाद लगभग 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे ताकि ग्रेवी में इसकी गाढ़ाई आ जाए, थोड़ा गाढ़ा हो सके। और बिल्कुल लास्ट में हम नमक चेक कर लेंगे, अगर लगता है तो नमक ऐड करेंगे। मुझे थोड़ा लगता है तो मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ। और बिल्कुल लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा भुने हुए जीरे धनिया का पाउडर। जीरे और धनिया को मैंने ऐसे नॉर्मली रोस्ट करके पाउडर बना कर रखा है, और जितना जीरा लिया उसका आधा मैंने धनिया लिया है। तो इस हिसाब से अच्छे से भून कर पाउडर बनाकर रखी है, और उसका मैंने 1/4 टीस्पून डाल दिया है। ये डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और बहुत बढ़िया खुशबू भी आती है। तो चलिए सब्जी हमारी तैयार है, गर्मा गर्म सब्जी को सर्व करते हैं। और ये वाली जो सब्जी है ये चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, तो गर्मा गर्म चावल के साथ इस सब्जी को आप सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, और ट्राई किया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। बाय बाय।